हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है यूपी लेखपाल से संबंधित जितने भी तहसील आवंटन हो रहे हैं उसकी सूचना मैं आपको समय से दे रहा हूं। तो देवीपाटन मंडल के देखिए एक जनपद की सूची पहली आ चुकी है, गोंडा की। गोंडा की तहसील का मैं वीडियो बना चुका हूँ, कल का ही देखिए लेटर है 30 जनवरी का। और श्रावस्ती का भी आपकी तहसील आवंटन की सूची पूरी जारी कर दी गई है कार्यालय जिलाधिकारी द्वारा। तो देख लेते हैं देवीपाटन मंडल गोंडा के पत्र संख्या ये लेखपाल जनपद आवंटन 2024 20 जनवरी 2024 के माध्यम से विज्ञापन संख्या एक परीक्षा 2022 के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन विज्ञापित राजस्व लेखपाल पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति एवं आवेदन पत्रों का संलग्नकों सहित प्रेषण किया गया है। आयुक्त महोदय के संदर्भित पत्र के माध्यम से कुल 59 नव चयनित राजस्व लेखपालों को जनपद श्रावस्ती आवंटित किया गया है। तो टोटल जो संख्या है वो लेखपालों की श्रावस्ती जनपद में 59 है। इस क्रम में 59 नव चयनित राजस्व लेखपालों को निम्नानुसार तहसील आवंटित की जाती है। पूरा पीडीएफ अभी थोड़ी देर में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मेन जो उसके दिशा निर्देश है वो हम लास्ट में देख लेते हैं कि क्या कहा गया है। इसमें देखिए कोई कैंडिडेट है उनका नाम मैंने हटा दिया है, उन पर कोई केस है तो उसकी बात यहाँ पर की गई है। उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 यथा संशोधित में वर्णित व्यवस्था अनुसार लेखपाल के नियुक्ति प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी है वो उप जिलाधिकारी है। अभी थोड़ी देर पहले एक सर का कमेंट भी आया था कि जो शपथ पत्र वगैरह बनना है वो किसके नाम बनना है। देखिए नॉर्मली जब पता नहीं होता तो आप लिख देते हैं सेवा में श्रीमान सक्षम अधिकारी, ठीक है, सक्षम अधिकारी या जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है। नॉर्मली यहाँ पर अगर आपका नियुक्ति प्राधिकारी देखेंगे या रिपोर्टिंग ऑफिसर देखेंगे वो आपके हैं SDM, ठीक है। तो इनके नाम वैसे सब पता ही होता है, कचहरी में आप जाएंगे वहां पर एफिडेविट जो बनाते हैं उनको सब पता ही होता है। अतः आयुक्त महोदय के पत्र दिनांक ये छायाप्रति अभ्यर्थियों की सूची उनके आवेदन पत्र मूल रूप में समस्त संलग्नकों सहित उप जिलाधिकारी भिनगा इकोना जमुनहा को प्रेषित करते हुए अपने स्तर से निम्न कार्यवाही पूर्ण कराते हुए नियुक्ति आदेश निर्गत किए जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो इस तरीके का पूरा है। अपने आवेदन पत्र में स्वयं पर जनपद न्यायालय सुल्तानपुर में फौजदारी, ये कुछ केस वगैरह की डिटेल है तो इसके बारे में सारा ज्यादातर इसमें लिखा हुआ है कि इनसे लेटर वेटर जो भी इनकी प्रक्रिया होगी मुझे तो ज्यादा आइडिया नहीं है। उप नव चयनित राजस्व लेखपाल अभ्यर्थियों इनको छोड़कर के स्वास्थ्य परीक्षण आदि की कार्यवाही अपने स्तर से पूर्ण कराते हुए निम्नानुसार नियुक्ति आदेश निर्गत किए जाएं। और यहां पर आप लास्ट में वही देखेंगे, निर्गत निर्देशों के अनुरूप नव चयनित लेखपालों को उनके गृह जनपद में निवास के विकास खंड को छोड़कर यानी ब्लॉक को छोड़कर तैनाती सुनिश्चित की जाए। यहां पर पूरा जिलाधिकारी वगैरह के साइन है। तो श्रावस्ती की भी आपकी सूची आ गई है। यहां पर दो जिले और हैं उनकी अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, अगर वो आएगी तो वो भी मैं आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से बता दूंगा। इसकी पीडीएफ मैं अभी आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूं। और हाँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गई है, ये मैं बताना भूल गया, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर है आपकी श्रावस्ती की। तो जिनको डाउनलोड करनी है वो सीधे साइट से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।